रिसेंटली ना मैं 80s रेस्टोरेंट गई थी ब्रेकफास्ट के लिए. इतना अच्छा रेस्टोरेंट था बस मैं बता नहीं सकती हूँ. और इनका खाना भाई बहुत अमेजिंग. तो चलो स्टार्ट करते हैं मैंने क्या क्या खाया वहाँ पर. सबसे पहले हमने मैजिक मोहितो ट्राई किया. मैं इसकी ना रेसिपी ना घर पे ही बना के देखूँगी. बहुत सिंपल है. वैसे मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है आप देख भी सकते हो, पर हम इसे घर पे ही बनाएंगे. इसका टेस्ट बहुत अच्छा था लेकिन इसमें इतना ज़्यादा आइस था कि मैं इसे घुमा नहीं पा रही थी. खैर उसके बाद हमने ना कीमा रोटी खाई. भाई साहब इनकी रोटी इतनी सॉफ्ट थी, मतलब ऐसा था कि होठों से चाव लो. बहुत अमेजिंग. उसके बाद हमने ना टर्किश एग ऑर्डर किया, जो ना एक क्रीम होती है उसके साथ बनते हैं. क्रीम और ये ऊपर ऑयल है, थोड़ी चटनी लगी हुई है इसमें, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट कर रहा था. मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसे डिस्क्राइब करने के लिए, इतना ज़्यादा डिलिशियस था. फिर मैंने ना कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी, बहुत थिक थी, बहुत क्रीमी थी. ये देखो, और इसे देख के तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए जो मेरे अब आ रहा है. खैर बहुत अमेजिंग था. मैंने सोचा कि चलो इससे हटाओ, वो बच्चों वाला करते हैं, बचपन में करते थे यहाँ पे ऊपर लगा के दूध के साथ, तो वो किया मैंने. उसके बाद हमने ना चीज़ी एक तरीके का ये चीज़ी रोटी टाइप थी ये ऑर्डर करी. इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेल्टेड चीज़ थी जो बहुत अच्छी लग रही थी. लास्ट हमने इनका बहुत ज़्यादा फेमस फ्रेंच टोस्ट ऑर्डर किया, जो भाई देख ही सकते हो कितना सही लग रहा है ना. मेरे को ना ये सब चीज़ें ना वाले ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे लगते हैं. ऊपर से मैंने इसमें ना कैरेमल डाला और इसे बस काटो पीटो खा जाओ. दिस इज़ सो 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 सेटिस्फाइंग और सो अमेजिंग. मतलब इसका टेस्ट ऐसा था वाओ. मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए. ये रहा, इसमें थोड़ी सी मैं इसके ऊपर आइसक्रीम रखी थी, ये आइसक्रीम लगाई और खा जाओ बस. बहुत अमेजिंग था. ये बैठी मैं और यहाँ पे मैं अपना खाना इंजॉय करते हुए. खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. कमेंट ज़रूर करना. ओके जी, चलो ओके बाय.